अगले कॉलर हैं पंजाब से दर्शन जी, स्वागत है आपका। जी। सत श्री अकाल सर। एक बच्चा है जी 15-16 साल का, उसका दिमाग अब कम है, पढ़ाई नहीं आती उसको। क्या दिक्कत है उसे? दिमाग कम है। दिमाग कम है, ठीक है। 15-16 साल का बच्चा है। हाँ जी। दूसरा सवाल मेरा है जी। जी जी। मैंने ना नुस्खा बनाया था शुगर के लिए, मुझे थोड़ा सा शुगर था, 170-180 रहता था। गुड़ मार बूटी, मेथी दाना और आंवला और धनिया, मैं वो नुस्खा ले रहा हूँ। तो जैतून का सिरका भी शुरू कर दिया मैं उनके उसके साथ। मैंने अब शुगर टेस्ट कराया जी, मेरा खाना खाने के बाद सिर्फ 92 आया। मैं नुस्खा जारी रखूं या बंद कर दूं उसको? ठीक है, कटा हुआ लगा मुझे, जैसे कट गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए आप पर भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी शुगर तो ज़रूरत से भी कम हो रही है। एक दो बार और चेक करना अपने घर पे, अगर मशीन है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद करनी है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, और फिर देखना। अगर वो 140 तक भी है तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत कम आ रही है। खाना खाने के बाद 110, 20, 30 भी आ जाए, 40 भी आ जाए, 50 भी आ जाए तो समझ लीजिए आप ठीक है, अगर 2 घंटे बाद की ये रिपोर्ट हो। और खाली पेट 100 के अंदर, तो आपकी जो रिपोर्ट आई खाली पेट वाली आई है। अच्छा, खाली पेट किस तरह करते हैं? जैसे आज आपने रात को 9 बजे खाना खाया तो सुबह 9 बजे खाली पेट आप चेक करेंगे, अगर ये 100, 110 या 100 के अंदर है तो आप नॉर्मल हैं, फिर आप इस दवा को छोड़ सकते हैं। कई दिन चेक करें ऐसे, और फिर शायद आपको भगवान ने पूरा फायदा दे दिया है। बच्चे का क्या सवाल था? 15-16 साल का बच्चा है, दिमाग थोड़ा कम है। हाँ, देखिए दो अखरोट और 10 किशमिश रात को, छिले छिलाए ना लाएँ, रात को तोड़े, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और 10 किशमिश उसमें मिला के उसका गिरी निकाल के रात को सोते समय खिलाया करें, और सुबह जब वो उठे तो उसको निहार मुँह एक आंवला का मुरब्बा खिलाया करें बच्चे के लिए, और उम्मीद रखें कि भगवान उसे फ़ायदा दे दे।